नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर, वक्त हो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र में अवैध असले से फायरिंग करते हुए एक और वीडियो वायरल होने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास एक अवैध तमंचा व बनावटी मस्कट बरामद की है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी का चालान कर जेल भेज दिया है। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र में अवैध असले से फायरिंग करते लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं। चरथावल क्षेत्र में एक और वीडियो वायरल होने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो की पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि वायरल वीडियो बुड्ढाखेड़ा के एक युवक का है। पुलिस ने गांव में पहुंचकर आरोपी मोहित कुमार पुत्र मेघाराम को दबोच लिया। पुलिस ने उसके पास एक अवैध तमंचा व बनावटी मस्कट बरामद की है। चरथावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के पास एक तमंचा व बनावटी मस्कट बरामद की गई है। बनावटी मस्कट में आरोपी पटाखा फोड़ने का कार्य करता था। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इसमें एक मामला, एक वीडियो अभी जानकारी में आई थी, जिसमें एक युवक है वो हाथ में अवैध तमंचा लेके उसको लहरा रहा है। इसमें इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम मोहित है, जो कि ग्राम बुड्ढा खेड़ा का रहने वाला है। और एक अन्य युवक भी था जिसके हाथ में मस्कट जैसा एक अवैध असला दिखाई दे रहा है। उसको भी जब पकड़ा गया तो वो मस्कट नहीं है, वो लकड़ी का बनाया हुआ खिलौना है, जिसमें छोटे पटाखे जो होते हैं दीपावली के, वो इसमें छोड़े जाते हैं। इसमें और भी जो चीज़ें हैं, जो भी तथ्य हैं, उन पर भी, उन पहलुओं पर भी हम जाँच कर रहे हैं। उसको मोहित को इसको तमंचे के साथ इसको अरेस्ट किया है, जिसका एक 315 का तमंचा और दो कारतूस इसके पास बरामद हुए हैं। गिरफ्तार करके जेल भेजा गया।